ससुर हमारे बाप तुम्हारे दिल की बिटिया तुम, ससुर हमारे बाप तुम्हारे दिल की बिटिया तुम। ना 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 ना। अरे अरे सुन ले, हमार सब रोया भर भरा के भाई खड़े हुई के। क्या बात है, क्या बात हो गई रे, क्या हो गया? तुम तो अपना काम हल गली हो। और क्या हुआ? काम 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 और हम गए तो कहे पिताजी मूलचंद। अरे साले मैं काम की पूछ रहा हूँ, तुम गए तो हम गए हुआ तो और गए तसे तसे ग्वाड़ उठाए। हाँ तसे हुई के होशी नहीं इतनी भैया। क्यों रे तुम साले पर क्या भैया इके नीक। हम चले जाए चील घरे नदी किनारे, वहाँ क्या करोगे? तो सारे वहाँ तक उनके होश ही नहीं है, गैन टांग उठाने वाप। अबे सारे मैं जिंदा होगी पानी छिड़ के होता, छिटा लगा दिया होता। अरे पानी छिड़ के ना खूब सोहरायन खूब पप्पी ले है ना खूब जबान हम जबान लड़ाया ना। ओ सारे तेरे होश में सब किया तब उनका होश नहीं है वाप। चल काम खत्म करो, चलो पैगाम बड़े पैगाम चलाओ, आओ लगता है बनवा। ये 10 रुपया इनाम दे रहा, कह रहा ये भोसड़ी वाले किरवा परी है भैया। भगवान ये तूने क्या मुझे दिन दिखाया है, और ये सजा क्यों तूने दिया? करके भेजना चाहिए ताकि मेरा देवर पता पाते ही मेरे पास भर ना जाए। भैया भैया आप क्या क्या हाँ जोड़ते हो? जी भैया आपसे कह रही हूँ, एक मेरे साथ में मेहरबानी कर दो मेरे भाई। के महतरिया के भौजी तुम आज नंगे नांगे हो भैया, ये मुझसे मत पूछो, मैं जो कह रही हूँ ना जब तुम कहती हो तो हम ना पूछबा। बता को हर बात सबसे पूछे वाली नहीं होती है। अब तुम अपन काम बताओ, हमका काहे याद करो? भैया एक मेरा पत्र लिख दो। पत्र लिख दो? जी हाँ। तुम चिंता ना करो, चिंता करे चेतराम चिट्ठी लिखे लिख रहा हूँ। मेरे देवर विष्णु को लिखनी है। रुक जा रुक जा रुक जा, तुम तो भौजी अत्ता ना घबराओ। अब सुनाओ, तुमको चिट्ठी चार जनी मत कोई लिखैया हो तुम हो मत चली आयो। हम हेरुवन कर हम दादा हैं ना। हाँ कोई भाई कोई पहले की बात हो तो चिट्ठी लिखा लो, हम तो डाल दो। हाँ बताओ मेरे। अरे चिट्ठी लिखैया कहीं का हूँ, अपने हिसाब लिख दे। अपने देवर विष्णु को लिखवाइया हूँ। तुम्हारे देवर रही विष्णु? जी हाँ। अब तुम्हारे पर का बात है, का लिखैया हो? जो अपने के वर्मा जी हैं और बेटर इन दोनों जन्मों ने मेरे साथ में मेरे इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया है। मैं अपने देवर से बताना चाहती हूँ। बस 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 हम मेहरुवन करता तो जाने दे है कि मान चले भाई कोई गलत काम हो जाए तो मान चले उसमें सहयोग करो चाहिए। प्रिय देवर विष्णु कुमार
तुम्हें प्यार भरा नमस्कार। अग्रिम समाचार ये है कि आपकी भाभी कुशल पूर्वक न रहकर आपसे फरियाद करती है कि आपकी आगे बताओ आपकी प्रिय भाभी प्रिय भाभी आपको याद कर रही है। हाँ लिख दे और कोई बात मेन वाली बताओ भैया ये पत्र में भेज दो भाई। अरे मेन वाली बात बताओ कोई इमरजेंसी वाली बात हो हम लिख दे। ये पत्र पाते ही फोन नहीं चले। अरे भाई जी हाँ भौजी का तुम्हारे पर कोई मुसीबत वाली बात हमका बताओ। मैं तुमसे बता चुकी हूँ। अच्छा हाँ 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 आप आपकी भाभी लाजवती की इज्जत यहाँ के सरपंच और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने आपकी भाभी की इज्जत लूट लिया है और आपके बड़े भाई बनवारी जेल में बंद हो गए हैं और आप इस खत को पाते ही तुरंत घर आने का कष्ट करें। आपकी प्रिय भाभी लाजवती ठीक है भैया भेज देना ठीक है पहुंचा देगा। भैया अब हम हमारा काम का है हियन तेरे उनके घरे पहुंचा हुए उनकी चिट्ठी पहुंचाइबा। हाँ चिट्ठी पहुंचाइबा काहे तनी मुखोड़ा दिखा दे तनी परेदा हटा दे हम प्यार करने वाले हैं कोई हबलदार सर अंधे हो सारे दोनों लोग अंधे नहीं हम दोनों लोग सो रहे थे नींद में आ रहे थे नींद में नहीं सपना देख रहे थे सपना नहीं हम साइजिट में नींद आराम खोर कहीं आई एम पोस्टमैन यानी आप दखन से आ रहे हाँ डाकिया कैसे आना हुआ ये विष्णु कुमार इस स्थान में है कोई हमारे ही नाम अरे है बहुत अच्छी बात है ये आपके नाम से पार्सल आया हुआ है। हेलो ये आगे रामलाल गोसा निवासी ये 20 रुपया दे कह रहे विष्णु इंस्पेक्टर इंसाफ करना लाओ खत में देखे क्या लिखा है और एक बात है कौन सी बात 3 रुपए 25 पैसे सरकारी कोषागार में जमा होता है जिसका आपको कौन देना पड़ेगा पोस्टमैन हम भेजवा देंगे ठीक है ठीक ना भेजवाओ तो हम बड़कत ले लें चलो तुमको मिल जाएगा ठीक है हमारे साथ आप हम बल्लू हवलदार तीनों लोग खुश मगा जा रहे थे थाने को और जैसे आपने पाती देखा वैसे ही आपका चेहरा उदास आखिर बात क्या है क्योंकि चड्ढा सिंह कहिए सर कहने की कोई बात ही नहीं है इसमें जो लिखा है हमारा दिमाग तो चकरा गया आप पहले विक्रम सिंह इंस्पेक्टर के पास चले जाए क्योंकि हम छुट्टी लेकर अपने घर जाएंगे बिल्कुल आओ Yeah.
बताए हैं। हाँ जब तक तो बनवरिया नमस्कार मिस्टर कुमार। आज अचानक सरहस्य मोहलिया ना कैसे पड़ गया? क्योंकि छोटा सा काम आ गया। बोलिए सुनो हमें बात। और पड़ गया आप से, सुनते हो? और पड़ गया आप से एक काम जरूर। क्योंकि तुम हमसे बड़े ऊंचे अधिकारी हो ना। सुन कुंवर, ऐसा कौन सा काम पड़ा है जो विक्रम के पास जाना पड़ा है? लो खुद इस फाइल में पढ़ लो, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। श्री लखपत राय वर्मा और स्वादर्शन ने हमारा नाम क्यों डाल दिया? किसने हमसे किसी चीज का दुश्मनी हुई है? अब दुश्मनी लिखा उसको देख तो लिया क्या लिखा है इसमें? देखे बेसुल कुमार, जिस फाइल पर लिखा है ये झूठी अफवाह है। झूठा अफवाह? क्या झूठी अफवाह? तो विक्रम इंस्पेक्टर का नाम नहीं मानता है। मानता तो नहीं है, लेकिन आपसे हम यही कहते हैं कि हमको छुट्टी चाहिए। विक्रम तुम्हें नहीं मालूम है, कल काली माँ का मेला है और काली माँ के मेले में डाकू दुलारे डाकू सुल्तान काली माँ के मेले में खेला कर रहा है। तुम्हें छुट्टी इस समय नहीं मिल सकती है, क्योंकि जिसने पाल पोछ कर इतना बड़ा सयाना मुझे कर दिया है, आज मुझे घर जाना होगा, क्योंकि हम छुट्टी हमें जरूर चाहिए। हेलो, आप हैं श्रीमान मूलचंद नई बस्ती माल की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार। उनका कहना है साहब, दबो भैया, उनका कहना है मूलचंद के यार, इंसाफ करना है। जय की गलती होए, जो न गलत होए उसकी बुआ जरूर छोड़ दे। बिल्कुल इंसाफ। आपके कहने का मतलब कि छुट्टी नहीं दोगे? बिस्रो बोलो, तुम्हें मालूम है चाहिए थाने का सख्त सारथी साहब का आदेश है, कोई अफसर छुट्टी पे नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। क्योंकि समझ गया, अगर मैं जानता इस वर्दी की कीमत नहीं है तो इसको मैं पहन कर क्या करता? अरे बिस्र कुमार नादान बचपन, वर्दी में पैसा लगता है, वर्दी पढ़ने लिखने से माँ बाप की कमाई लगती है। अगर अपने घर वाले तबाह हो तो इस वर्दी को पहनकर क्या करेगा आदमी? बोलो बिसन कुमार, इसमें बहुत तेरे माँ बाप भाई की कमाई लगी होगी रे, इसे मत कमजोर समझ। किसी अगर कोई तकलीफ तेरे घर में है शांत हो जाएगी? शांत नहीं होगी, क्योंकि जब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा तब तक शांत नहीं होगी। तब बिसन कुमार कानून के हिसाब से तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। जानता इस वर्दी की कीमत नहीं है तो इसको अपने तन पे धारण में नहीं करता। समझ में गया इसकी कीमत नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चौकोमा नजरे नीचे रखो, समझ में गया इसकी कीमत नहीं है, इसी अपने तन पे है। Stop!
देवताओं की तरफ से दस रुपया प्रसाद कात या बात तुम सही कहे हो। बेसन कुमार इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मैं आज इस रिवॉल्वर को तय खाने में जमा करके जा रहा हूँ और वर्दी को उतार कर जाऊंगा क्योंकि जिसकी कीमत है इसको पहन कर क्या करूंगा बोलो। कहते हैं कहते हैं लोग कभी चींटी का घिन अजम होता है। तुम साले ऐसे ही रहोगे जैसे लोगों ने कहा है। हेलो आकाश को सफर के बीस रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और कहा भैया तुम नहीं करे हो बुरा जो नतीजे बुरा का नतीजे जरूर मिलेंगे। शत्रु को घिनी हजम होता है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जाओ जवान को लगा दो हमारी सर में भाई। हंसो मत हंसी किसी दिन तुमको रुलाएगी। आज मैं वादा करता हूँ अगर विक्रम सिंह इंस्पेक्टर तेरे नसों से ना खून निकालिया तो मेरा नाम रहने वाले ये 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं विक्रम तुम ही याद करोगे इंस्पेक्टर जाके उन्हें समझा दो कायदे से। मादरचोद बनवरिया जेल में पड़ा भाभी उसकी मादरचोद ठोकर खा करके मर गई होगी। अब मादरचोद यहां से घर जाएगा जब घर जाएगा गिड़गिड़ा करके चौखट पर सर पटक करके मर जाएगा। पूरे चड्ढा आओ हम लोग दुलारे की चढ़ाई पर पैगाम बढ़ाते हैं उसके बाद देखा जाएगा। आओ तुम सारे इतने लफड़ा हो कुछ कहा गया नहीं साहब के पीछे पीछे जा रहे चलो चाय पे चलो यार चलो 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 हमारा सही
इंस्पेक्टर के कपड़े उतरा कर तब इसको गधा बनाओ खोल दे। और मारते मारते इसकी खाल खींच दो। कपड़े निकाल फटाफट। पहले क्या कहा था तुझसे? बोल विक्रम, कुछ कहा था? विष्णु बोलो। विष्णु आपने कहा था, लेकिन मेरे भैया आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है बोल। बोल। तब आप कर दो मुझे, मैं खतावार हूँ। हाँ, ये पचास ब्याज सुपान यही के रहने वाले इनाम दे रहे हैं। कह रहे भैया इनका कपड़ा सब निकलाओ पहले। राजेंद्र बैठ कहाँ है? राजेंद्र राजेंद्र दुल्हन दुल्हन जने हमें तो मनी बा। ए दादा, ए महतरिया हसी हो कोई जिंदा खाना ही। अच्छा हसी हो तो बात बिगड़ जाएगी। अच्छा बिगड़ बिल्कुल क्या बिगड़ जाएगी? कुछ नहीं भैया, हम बात मतलब समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? देखो हम कुछ करें तो हम नहीं, हमारे पर को भैया सबके हाथ जोड़े थे। तुमका बताई क्या? अरे जलम की गढ़िया करम की हीन, जलम की विष्णु भैया मैंने अपनी करनी को प्रसाद करता हूँ। दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ और मैं एक वादा करता हूँ, अगर मेरे भाई कोई मेरे जगह पर पुलिस की नौकरी पाना तो ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने जो कर्म नाजायज किया है, जो मैंने गलती किया है उसकी मैं सजा पा रहा हूँ। विक्रम से अभी से और खता माफ कर ले के दादी। ये कुछ नहीं हुई। क्या होगा? तुम अलग हटो। हम अलग हट जाए क्या करोगे? अरे तो ही आओ, इसे कुछ पूछोगे? हाँ क्या पूछना? के पंड नहीं करो,
अब हमरे आखिर में यहाँ जो खून निकलियावा और घर मालिक राजेंद्र कहते हैं जो यह व्यवस्था नहीं करे हो तो सब कोई अपन पर रास्ता ले लो। रजिंदर भैया यार ऐसा ना करो, मान लो हम तुम्हारे द्वारे आना ऐसा ना करो, कब हो ना करो ऐसा करिए। अरे पैंट निकाल, तू पैंट निकाल, ना निकाली हो लेकर राजेंद्र अब की सारी नेकर छोड़ी बा। अच्छा जी नेकर छोड़ी गई हां नंगे ना करी बा। नहीं क्योंकि समाज है, अगर ये बदतमीज क्या हम तुम भी बदतमीज हो जाएंगे। यह बात सही है, ऐसी आओ भैया सब कोई देख ले हो ये विक्रम सिंह इंस्पेक्टर विक्रम भैया है हन विक्रम सिंह और देख लो क्या जलवा। रुको भाई रुक जाओ, दो मिनट नहीं रे, हिसाब बहुत पुराना है हमसे। आगे बढ़ो, कोई गिनाई पांच हुई है, तू यही के पांच हुई है किसके। अरे आप खुद कहिए जाहिल का जाहिल है और चरण चूमता हूँ और चरण का पुजारी सुनको और भैया सुन रहा हो और चरण चूमता हूँ हाय मुस्कर आए हैं, मगर कारण यो है तुमका बताई गई अभी का मारे हो ना इका सारे कच्ची फांसी देओ और ऐसी फांसी देओ यू सर अगले जन्म में यहाँ यू सर गांड तेरे हग ना पावे। क्या मुंह से हगेगा, मुंह से हगेगा नहीं, जैसे अरे चूमता हूँ हुई गई।